यूपी के बरेली में शाही थाना क्षेत्र से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां किसी माँ बाप ने अपनी एक दिन की बच्ची को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पूरी रात बच्ची खेत में पड़ी तड़पती रही, उसके पैरों की एड़ियों को कीड़े खाते रहे। सुबह तक दोनों पैरों की एड़ियों को कीड़ों ने खा डाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया और फिर नवजात बच्ची को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बच्ची के पैरों का ऑपरेशन चल रहा है। एक न्यूज़ वेबसाइट से ली गई जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला सुल्तानपुर गांव का है। यहां नौलख राम के खेत में रविवार शाम करीब 4 बजे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उनका घर खेत के पास ही है। नौलख राम ने बताया कि पहले तो बच्ची के रोने की आवाज़ पर किसी ने गौर नहीं किया, फिर लगा कि कोई व्यक्ति खेत में बच्चे को लेकर आया है। शाम को भी उनकी भतीजी उर्मिला ने कहा कि खेत में कोई बच्चा रो रहा है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और रात को भी सभी सो गए, मगर बीच बीच में बच्ची के रोने की आवाज़ें आती रहीं। सुबह जब नौलख राम की भतीजी उर्मिला से रहा नहीं गया तो वह खुद खेत में पहुंच गई। बच्ची को रोता देख उसने परिवार को सूचना दी कि खेत में किसी की बच्ची पड़ी है। तब जाकर नौलख राम और उसकी पत्नी ने बच्ची को उठाया और पुलिस को फोन किया। बच्ची पूरी रात खेत में पड़े रहने की वजह से उसके दोनों पैरों पर कीड़े मकोड़े लग गए। उसके दोनों पैरों की एड़ियों को कीड़ों ने खा लिया। बच्ची की हालत ये हो गई थी कि उसकी एड़ियों की हड्डियों तक दिखने लगी थीं। बच्ची दर्द से चीखती रही, मगर किसी ने उसे उठाया तक नहीं। बहरहाल अब उसे जिला अस्पताल के SNCU यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखा गया है, जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस नौलख राम को गन्ने के खेत में बच्ची मिली, उनका कहना है कि उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उनकी अभी 1 महीने की बेटी है, जिसका नाम उन्होंने अंशिका रखा है। नौलख राम का कहना है कि खेत में मिली बच्ची को वह पालेंगे, क्योंकि वो उनके खेत में मिली है। नौलख राम खेत में मिली बेटी की जिला अस्पताल में परिजन की तरह देखरेख में जुट गए हैं। वहीं चाइल्डलाइन की कोऑर्डिनेटर आरती ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, इसके बाद उन्होंने तत्काल अपनी टीम को भेजा और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल उस नवजात की देखरेख की जा रही है और वहां शाही थाना पुलिस की एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद है। लेकिन कितने निर्दयी होंगे वो माता पिता, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खेत में मरने के लिए छोड़ दिया और पीछे मुड़ के तक देखा नहीं। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से उस बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो वो माँ बाप कैसे अपने जीवन में सुखी रह पाते, जिन्होंने अपनी एक दिन की बच्ची को खेत में फेंक कर पहले ही इतना बड़ा पाप कर दिया है। दोस्तों, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि लड़की अभिशाप नहीं बल्कि लक्ष्मी है, उसकी इज्जत करें और समाज में उसको बराबर का सम्मान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।